तुम्हें किसी भी क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो भी तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। और अब देखो हमारे सिचुएशन को थोड़ा शुरू करते हैं, समझते हैं, पहले कोर्स कंटेंट्स को समझते हैं। देखो सीएस ओल्ड कोर्स एग्जीक्यूटिव सेकंड ग्रुप, इसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉज करके एक बुक है, और इंडस्ट्रियल लेबर जनरल लॉज में ये चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और न्यू कोर्स में फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पेपर जुरिसप्रूडेंस, यहाँ भी यही चैप्टर है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर एंड वेरी रेलिवेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये तुमको नहीं भी कम से कम तो 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन में श्योर शॉट आने वाला है। 20 नंबर कहीं नहीं गया, 20 मार्क्स श्योर शॉट एवरी टाइम वी शुड बी हैविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, मैं इस पूरे चैप्टर को 5 क्लासेस में इस पूरे चैप्टर पे रहूँगा, और इस पूरे चैप्टर को बताने के दरमियान देश की जो जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्रीज हैं, जो हिस्ट्री है उनको भी मैं डिस्कस करता रहूँगा, जो भी करंट अवेयरनेस है उन सारी बातों को डिस्कस करता रहूँगा। हम ऐसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि 20 नंबर जो है हमारा क्लास में ही प्रिपेयर हो जाए, मतलब तुम्हें घर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम उस तरह से इसको शुरुआत करते हैं, जस्ट फॉर हैविंग द 20 मार्क्स वी शुड बी स्टार्टिंग दिस टॉपिक। एंड व्हाट द टॉपिक कॉल्ड एज अ कोर्स? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो क्या होती है संविधान भारत की। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरा देश बेस्ड है। जैसे अगर हम एक बींग ए कंपनी सेक्रेटरी अगर हम बात करें कि भाई एक कंपनी को चलाने के लिए जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होती हैं, तो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तुम जानते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को आउटसाइडर से इंट्रोड्यूस कराता है, वो कंपनी का नेम क्लॉज, कंपनी का कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटीज क्लॉज को कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन आर्टिकल्स जो है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है। एक देश का कोई भी इंसान, चाहे वो देश की जनता हो या देश की सरकार हो, चाहे कितना बड़ा से बड़ा इंसान हो, उस सुप्रीम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बियॉन्ड ना चला जाए, मतलब अपनी हद को पार ना करें, अपने लिमिट में रहे। और नेचुरली इन्हीं बातों को कोऑर्डिनेट करने के लिए भारत में एक संविधान बनाएगी। एंड व्हाट द थिंग इज कॉल्ड हियर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम याद है, सुना है अच्छी तरह, संविधान 26 जनवरी 1950 को ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया संविधान को। और ऑफ कोर्स वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और ऑलमोस्ट 12 शेड्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं, 12 शेड्यूल्स संविधान में अवेलेबल हैं। लेकिन तुम मेरे से भी एक बात पूछ सकते हो, क्या ये सारा कुछ हमको पढ़ना है अपने कोर्स के लिए? अगर सारा कुछ पढ़ना होता तो एक पूरी बुक्स भी हमारा पूरा एक कोर्स ही होता कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिर्फ 10% कह लो ये हमारे कोर्स का पार्ट है। जो इम्पॉर्टेंट जो रेलिवेंट मैटर्स हैं वो चीज़ें हमको पढ़नी है, हमको देखनी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत हो रहा है, स्टार्टिंग से जो हम पढ़ रहे हैं, हम पहले ये समझेंगे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, हमारे देश का संविधान कैसा है। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे, क्या हमारे पास कुछ अधिकार संविधान ने दिया है जिसको हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, हम और भी बातों को पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का रूल्स क्या है, डॉक्ट्रिन्स क्या है। अपार्ट फ्रॉम डैट हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कानून कैसे बनाती है, किस सरकार के पास कानून बनाने की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्या पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में इंटरफेयर कर सकती है, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, ऑफकोर्स जो हम लिस्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन के क्या रूल्स हैं, इन सारी बातों को हमें पढ़ना है, अपने कोर्स में कोऑर्डिनेट करते हैं। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो फीचर आता है संविधान का वो आता है प्रीएम्बल। अगर हम शुरुआत करते हैं
तो सबसे पहला सिचुएशन आता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द प्रियम्बल. तो हम प्रियम्बल से शुरुआत करते हैं. बिकॉज संविधान शुरू ही होता है तो पहले उसकी प्रियम्बल लिखी जाती है, और प्रियम्बल के ऊपर ही सारा का सारा संविधान बेस्ड है. अगर प्रियम्बल कहता है कि हमारा देश सेकुलर होगा, तो संविधान का हर प्रोविजन जो है सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करता होगा. अगर हमारा प्रियम्बल कहता है कि अफकोर्स सवर्णिंग होगी, देश सवर्णिटी होगी इंडिया में, तो प्रियम्बल का हर प्रोविजन इन बातों को अपहोल्ड करेगा. अब देखो प्रियम्बल है क्या, जरा इस पॉइंट को मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, इस बात को समझो जरा ध्यान से. देखो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इट सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्वली रिजॉल्व्ड टू मेक इंडिया, ध्यान दीजिएगा, सेकुलर सोशलिस्ट सॉवरिन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब यहां एक बात ध्यान दीजिए कि देश में सबसे ऊपर कौन है, देश को बनाने वाला कौन है, क्या देश की सरकार या भारत की पार्लियामेंट? सुप्रीम कौन है, क्या देश की सरकार सुप्रीम है, या देश की पार्लियामेंट सुप्रीम है, या देश की जनता सुप्रीम है, या प्रेसिडेंट सुप्रीम है? इनमें से सबसे ऊपर किसका स्थान है संविधान में? तो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो भारत को बनाएंगे, जो भारत को के एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो देश की पार्लियामेंट नहीं है, वो कौन है? भारत की जनता है. ये बातें जो है ना, अभी कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया से लाइट में आई थी, जब अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए रामलीला ग्राउंड के ऊपर जब उन्होंने अनशन किया था, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले की बात थी. और अपने अनशन के बदौलत सरकार कहती थी कि वो पार्लियामेंट को झुकाना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट को मजबूर करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट उस कानून को बनाए. ये तो पार्लियामेंट का इंसल्ट है, इतनी सबसे सुप्रीम बॉडी ये अपने बल पे जो है इनको डाउन करना चाहते हैं. तो उस वक्त अन्ना हजारे जी ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि आप देश के संविधान को पढ़िए, और देश के संविधान में सुप्रीम जो है वो देश की जनता को कहा गया है, और सबसे पहली बात लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्वली रिजॉल्व्ड, मतलब हम भारत के लोग मिलजुल करके ये फैसला करते हैं कि हम भारत को टू मेक इंडिया, हम भारत को सेकुलर बनाएंगे, हम भारत को सोशलिस्ट बनाएंगे, हम सॉवरेन रिपब्लिक बनाएंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे. देखिए चार बातें. सबसे पहली बात, हम देश को सेकुलर बनाएंगे, मतलब हमारा देश जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, मतलब हमारे देश का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा. जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान का जो रिलीजन है, नेशनल रिलीजन इस्लाम है, अमेरिका का क्रिश्चियनिटी है, इंग्लैंड की क्रिश्चियनिटी है, रशिया के बौद्धिज्म है, जापान का बौद्धिज्म है, नेपाल का हिंदू है, लेकिन भारत अकॉर्डिंगली भारत का कोई नेशनल रिलीजन नहीं होगा. भारत के में हर धर्म के लोग जो है वो आएंगे, रहेंगे, और अगर धर्म के नाम पे कोई प्रिविलेज दी जाती है, ये बात संविधान अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, कम्युनल नहीं है. कई आवाज़ें उठी कि देश में हिंदू आबादी ज़्यादा है, हिंदुस्तान को हिंदू देश डिक्लेयर कर दिया जाए, हिंदू रिलीजन ऑफकोर्स डिक्लेयर कर दिया जाए भारत के लिए, लेकिन संविधान के स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, बिकॉज देश का जो प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो कहता है कि हमारा देश क्या होगा, सेकुलर होगा. अच्छा, दूसरी बात कहते हैं सोशलिस्ट, सोशलिज्म. भारत में एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी खास तबके के लोगों के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत पैसे वाला है तो कानून उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज दे दे, ये गरीब है
तो इसको कुछ डाउन प्रिविलेज दें, मतलब सोशलिस्ट की बात हम करते हैं तो सब कोई बराबर है, मतलब यहाँ पे समाजवाद है। समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि सबकी ट्रीटमेंट एक तरह की होगी, किसी की डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होगी। तीसरी बात कहते हैं सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब क्या होता है, ऑल अराउंड इंडिपेंडेंस, सारा भारत एक है, इतना बड़ा देश, तुम देश में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी सेटल्ड हो जाओ, किसी भी एरिया पे घूमने चले जाओ, वहाँ पे ज़मीन खरीदो, घर बनाओ, रहो, मतलब पूरा देश क्या है, एक है। ऐसा नहीं है कि भाई हैदराबाद में वहाँ की सरकार है या फिर महाराष्ट्र में कोई दूसरी सरकार चल रही है, गोवा में कोई दूसरी सरकार चल रही है, कश्मीर में कोई दूसरी सरकार चल रही है। स्टेट के पावर्स अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लेकिन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी शहर का कोई राजा है, वो राजा उस शहर के ऊपर राज करता है और देश की जो पार्लियामेंट है उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है, पूरे देश में क्या है, सॉवरिजम्स हैं, सॉवरिन है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश की जो सरकार है वो देश की जनता चुनेगी, देश की जनता चलाएगी, और देश की जनता में से ही कोई इंसान जो है वो देश के सरकार का हेड होगा, जनता में से ही कोई इंसान उसका हेड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई राजा की डेथ हो गई तो राजा का जो बेटा है अब वो राजा बन गया, उसकी डेथ हो गई तो उसी के खानदान का कोई राजा बन गया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, नो। देश के जनता में से ही, देश की पब्लिक जिसको पसंद करेगी, जिसको ऑफ कोर्स इलेक्ट करेगी, वो देश का हेड बनेगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द प्रियम्बल। तो चार बातों को प्रियम्बल ने डिस्क्राइब किया है, नंबर वन सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरिन, एंड फोर्थ थिंग इज व्हाट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और डिक्लेरेशन करने वाला कौन सी बॉडी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई रिपीट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्वली रिजॉल्व्ड टू मेक इंडिया सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरिन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब पूरा का पूरा जो संविधान है वो इन्हीं बातों के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं पूरे मसलात के ऊपर बेस्ड है। अब मैं थोड़ा सा आगे तुम्हारे साथ बढ़ूंगा, सेकुलर की मैं बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, सोशलिस्ट भी मैंने तुमको बता दिया, सॉवरिन बता दिया, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, मैंने इन बातों को तुम्हारे लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे मैटर्स क्या क्या हैं, अभी मैंने समझाया और तुम्हें इन बातों को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोविजंस को और आगे समझने की कोशिश करते हैं, और लेट अस सी द पॉइंट व्हाट इट कॉल्ड दैट, यू नो, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी और फेडरल। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से पेपर में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आया हुआ है, दिस वन। चलिए अब हम इस प्रोविजन को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, आते हैं ये हमारा क्या मसला है, लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इशू, लेट अस सी द पॉइंट व्हाट इज गिवन दैट, नो, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है और हम इन दोनों फॉर्म्स के कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दो तरह की है, एक यूनिटरी है और दूसरा फेडरल है। अब मेरी बात पे ध्यान देना, तुम यूनिटरी समझ लो और फेडरल समझ लो और खुद फैसला करके बताना कि हमारा देश का जो संविधान है वो यूनिटरी है या फेडरल है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ दोनों। अगर मैं यूनिटरी की बात करूँ तो यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होगी, एक ही गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश पे राज करेगी, जब भी चलेगा तो उसका चलेगा, वो जो फैसला लेगी वही फैसला वैलिड होगा, उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कोई सरकार है, अगर ऐसा संविधान है कहीं पे, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनिटरी है। जैसे अफगानिस्तान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, मींस एक सिंगल हेडेड पर्सन है, वो जो डिसीजन ले ली दैट वुड बी ऑफकोर्स ए प्रॉपर डिसीजंस। इजराइल, ये सब कुछ ऐसे देश है जहां पे कंप्लीट यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। लेकिन अगर मैं फेडरल की बात करूंगा तो फेडरल में दो गवर्नमेंट होती है, दो सरकारें होंगी, और एक सरकार दूसरे सरकार के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगी,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इतना बड़ा देश है, तो वो देश जो है अलग अलग पार्ट पे डिवाइडेड है और हर पार्ट का अपना हेड है, और एक हेड दूसरे हेड के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई संविधान है तो हम इसको कहते हैं ये संविधान फेडरल स्ट्रक्चर का है, दैट वुड बी हैविंग ऑफ कोर्स द फेडरल स्ट्रक्चर। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू स्पेसिफाई मी वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ कोर्स द यूनिटरी और फेडरल। भारत का संविधान यूनिटरी है या फिर फेडरल है, अब आपको बताना है क्या लग रहा है आपको, फेडरल लग रहा है, फेडरल। अच्छा कुछ भारत के संविधान के बारे में कुछ और भी बातें हम समझ, हेलो हेलो चलो ठीक है, एक मिनट रुको, चलो ठीक है सही आ रहा है, ठीक ओके। हाँ तो देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम मुझे पता करके बताओगे कि हमारे देश का संविधान यूनिटरी है या फिर फेडरल है। फेडरलिज्म का क्या स्ट्रक्चर है कि देश जो है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके बता दूँ, मान लो ये पूरा देश है तो देश अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है मान लो, और हर पार्ट का अपना हेड है, किंग है, और नेचुरली कोई भी पर्सन एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब जो इसका हेड है वो इधर इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारे भारत में क्या ऐसा कुछ है? और यूनिटरी जो होगी उसका, मैं उसमें एक राजा होगा जो सबके ऊपर शासन करेगा। अच्छा हमारे देश का संविधान कैसा है, थोड़ा इसके ऊपर एक नजर डालो। यहां देखिएगा हमारे देश का संविधान कैसा है। सबसे पहली बात, हमारे देश का संविधान रिटेन है, एक बहुत बड़ा संविधान हमारे देश का जो कि एक रिटेन संविधान है। क्या कोई ऐसा देश भी जिसका संविधान रिटेन ना हो, पेपर पे कहीं लिखा नहीं गया उसका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन नहीं है? एक देश है जहां रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलती है, दैट वुड बी ऑफ कोर्स इंग्लैंड। इंग्लैंड में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारे देश का भी संविधान रिटेन है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो बल्किस्ट है, सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू द 12 शेड्यूल्स, और नेचुरली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फेडरलिज्म की, जो फेडरल गवर्नमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन सबको फुलफिल कर रहे हैं, और बहुत ही इलेबोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। तुम देख रहे हो कि हमारा पूरा देश अलग अलग पार्ट पे डिवाइडेड है, कहीं उत्तर प्रदेश है, कहीं बिहार है, कहीं मध्य प्रदेश है, कहीं पंजाब है, तो कहीं राजस्थान है, और तुम देखते हो कि इन सब का हेड है इनका चीफ मिनिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म है, लेकिन थोड़ा अफसोस होता है तब जब ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको डोमिनेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उसको डिसमिस कर दें, स्टेट की जो असेंबली है उसको डिसमिस कर दें। तो एक तरह से फेडरलिज्म तो दिख रहा है, लेकिन वो प्योर फेडरलिज्म नहीं दिख रहा है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन वहाँ गवर्नर भी होते हैं, और गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। हम कहते हैं फेडरलिज्म से, लेकिन हम उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते कि फेडरलिज्म है। एक बात और देखिएगा जरा, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान इज बिल्कुल सुप्रीम है, अकॉर्डिंगली सबको मानना है, और इट वॉज, अगर कोई भी इसको वॉयलेट कर रहा है किसी भी प्रोविजंस को, तो नेचुरली हर एक कॉस्ट पे जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को बनाए रखती है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो देश की सरकार में से कोई हो या देश की जनता में से कोई हो, अगर वो संविधान की डिग्निटी को वायलेट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए कोई भी फैसला दे सकती है,
बिकॉज द सुप्रीमेसी इज देयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, रिजिड। देखो रिजिड का मतलब क्या होता है, क्या बदलाव हो सकता है? हम कहते हैं कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से चलती है, क्या आर्टिकल्स ऑल्टर होते हैं? बेसिकली कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के आर्टिकल्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कहते हैं हम आर्टिकल्स ऑल्टर कर रहे हैं, क्या वैसे हम देश के संविधान को भी ऑल्टर कर सकते हैं? अगर फ्री छोड़ दो तो हर सरकार अपने आप अपने अकॉर्डिंगली संविधान को कस्टमाइज करेगी, अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करेगी। अगर एक गवर्नमेंट हिंदुत्व को मानती है, हिंदुइज्म को मानती है, कल को उनकी सरकार बनी तो सेकुलर वर्ड वहां से हटा देगी, वहां पर डाल देगी कॉम्युनल, वहां पर डाल देगी कि साहब इस धर्म के देश के लोग, धर्म के लोग इस देश में रहेंगे। लेकिन शुक्र है संविधान बहुत हद तक रिजिड है, मतलब इसको ऑल्टर करना इम्पॉसिबल है। यहां कहते हैं जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, खासकर यूनियन स्टेट्स के रिलेशनशिप का, उसको ऑल्टर करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, और आधे से ज्यादा स्टेट्स में भी इस रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो वो ऑल्टर हो जाएंगे, खासकर फंडामेंटल राइट्स। 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए होगी, तब जाकर के ऑफकोर्स ऑल्ट्रेशन होती है। तो बहुत हद तक ऑल्ट्रेशंस एक तरह से इम्पॉसिबल है, अमेंडमेंट जो संविधान की है वो बहुत हद तक मुश्किल है। पावर के डिविजन्स पे देखिए ध्यान से, डिवीजन ऑफ पावर, अब इसको समझिए, डिवीजन ऑफ पावर। अब एक बात सुनो, हमारा देश जो है दो पावर्स में डिवाइडेड है, एक पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और एक पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाती है, पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू लॉ बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। अब एक बात मुझे सोच के बताओ, लड़ाइयाँ छिड़ सकती हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक मुद्दे पे लॉ बना सकती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट भी उस मुद्दे पे लॉ बना सकती है? क्यों ना दोनों गवर्नमेंट भिड़ जाए कि नहीं इस मैटर पे हम लॉ बनाएंगे, इस मैटर पे हम लॉ बनाएंगे, दोनों गवर्नमेंट भिड़ जाए, क्या ऐसी संभावना है? नहीं है। संविधान में इस बात के अरेंजमेंट है कि जिस मसलात के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उस मसलात के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकती, और जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी। इसको कहते हैं लिस्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट या जो पार्लियामेंट है वो कानून किस मसले पे बनाएगी? जो यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, इसको हम लिस्ट वन भी कहते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट किस मसले पे कानून बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर, उसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट। और इसको हम कहते हैं ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट टू है। तो देखिए यूनियन लिस्ट मींस लिस्ट वन, स्टेट लिस्ट लिस्ट टू। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल एविएशन लिस्ट वन का मैटर है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कानून नहीं चलेगा। एविएशन के अलावा पॉसिबली टेलीकम्युनिकेशन, कंपनीज अफेयर, ये सब किसका मसला है? सब सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, पार्लियामेंट बनाएगी कानून। लेकिन हम कहते हैं रोडवेज, रोडवेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। तो दोनों के पावर्स अलग अलग डिवाइडेड हैं, ताकि दोनों सरकारें आपस में भिड़ ना जाए, दोनों कानून ना बना के तैयार हो जाए जिसकी परेशानी किसको हो, देश की जनता को हो। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एक और लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम लिस्ट थ्री कहते हैं। लिस्ट थ्री में दोनों सरकारें लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। तो मैं अगर तुमको एक बात बताऊं, लिस्ट की बात बताऊं, तो लिस्ट हमारे पास तीन होंगे, लिस्ट
वन लिस्ट, टू एंड थर्ड वन इज लिस्ट थ्री. लिस्ट थ्री, लिस्ट वन पे लॉ कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, किसने बोला सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी बल्कि कौन बनाएगा, पार्लियामेंट. दैट वॉज वॉट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अंतर है. पार्लियामेंट कहते हैं कि पूरी अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी दोनों आ जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते तो सिर्फ रूलिंग पार्टी आती है और वो भी उनके मिनिस्टर्स आते हैं. तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट. और लिस्ट टू में लॉ कौन बनाएंगी, स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की असेंबली होती है. और लिस्ट थ्री में दोनों, मतलब पार्लियामेंट भी और प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी. इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट. इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट और इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट ना. अच्छा, अब कोई नई बातें आ जाए, कोई नया मसला आ गया जो ना लिस्ट वन में है, ना लिस्ट टू में है, ना लिस्ट थ्री में है, तो उसको हम कहते हैं ये रिजुडरी पावर है. दैट इज कॉल्ड रिजुडरी पावर, रिजुडरी पावर. दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द रिजुडरी पावर विच इज नीदर द पार्ट ऑफ लिस्ट वन लिस्ट टू. दैट इज जस्ट कॉल्ड रिजुडरी पावर. आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग दैट, यू नो, रिजुडरी पावर, पावर. और यहां पे कानून बनाने का पावर हमेशा, एवरी टाइम द पार्लियामेंट हैज गॉट द पावर. पार्लियामेंट यहां पे कानून हमेशा कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी. द लॉ शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैटर्स लिस्ट वन में है द लॉ शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट, और जो लिस्ट टू में है वो कौन बनाएगी, स्टेट लिस्ट. लेकिन जो लिस्ट थ्री में, इसमें दोनों बनाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो स्कूल का एजुकेशन होता है, तो सीबीएसई के लिए पार्लियामेंट, और जो स्टेट की जो बोर्ड होती है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट. मेट्रोमोनियल दोनों गवर्नमेंट बनाएगी. इंसॉल्वेंसी दोनों गवर्नमेंट बनाएगी. सेल टैक्स, हालांकि अब तो वैट आ गया, सॉरी जीएसटी वगैरह आ गया, तो जीएसटी में फिर दोनों के लिए आ गया. तो यहां पर जो लॉ बनाने का पावर है दोनों के पास है. अब तुम कुछ नई ऐसी बातें ला दिए जो ना लिस्ट वन में फाइंड आउट हुआ, ना लिस्ट टू में फाइंड आउट हुआ, ना जो लिस्ट थ्री में फाइंड आउट हुआ, उस पर कानून बनाने का पावर हमेशा किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, रिजुडरी पावर है. दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द रिजुडरी पावर. चलिए, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं. कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज हैं. और जहाँ तक हम लिस्ट टू की बात करते हैं, लिस्ट वन की बात करते हैं, मीन्स दैट यूनियन लिस्ट और ऑफकोर्स द स्टेट लिस्ट वी हैव गॉट दैट, यू नो. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. ये भारत के संविधान को हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमने कहा कि भाई हमारा जो संविधान है वो रिटन है, रिजिड है, जिसकी अमेंडमेंट्स मुश्किल है, सुप्रीम है, और पावर्स जो है वो अलग अलग क्या हैं, डिवाइडेड हैं. देर वॉज ऑफकोर्स द डिविजन्स ऑफ पावर, मीन्स पावर जो है वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग सिचुएशन में क्या है, डिवाइडेड है. तीसरे इशू पे हम आते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी है, जुडिशरी समझ रहे हो, कोर्ट. सबसे लोअर कौन सी कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट. ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन अपॉइंट करते हैं, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर वो रिजाइन करेंगे तो रिजाइन भी किसको करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को.
तो यहां कहता है सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को चेक करती है कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो वो क्या कानून संविधान के अकॉर्डिंगली है या संविधान के खिलाफ है, कि ऐसा कानून तो नहीं जो संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल है। तो यहां देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो भी है डिक्लेयर कर सकती है कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावीन करे तो। और टू इंश्योर द इम्पार्शियलिटी जो जुडिशरी होती है जो जजेज होते हैं ये द गवर्नमेंट से नहीं हटाए जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं हटाए जा सकते, इनकी सैलरी पार्लियामेंट आपको कैटाइल नहीं कर सकती है। तो ये सारा मैटर कहाँ से डिस्क्लोज फाइंड आउट होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर करते हैं अपनी रेजिग्नेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट करेंगे को देंगे। इवन अगर वो अपॉइंटमेंट उनकी होती है तो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। सो नथिंग, देयर इज नो रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। चलिए अब यहाँ पे और चीज को फाइंड आउट कीजिए। एक और आता है तुम्हारे को बिकमेरियल लेजिस्लेचर्स, यहाँ पे एसेंशियल होती है अकॉर्डिंगली द पॉइंट्स वी गॉट देयर। चलिए एंड बिकमेरियल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो हाउस होंगे वो दो लेवल पे होंगे, और हमारे देश में दो लेवल पे हाउस है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। कोई भी कानून वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों हाउस इसको पास ना कर दें। लोकसभा में हमसे इलेक्टेड लोग जाते हैं, जब देश की जनरल इलेक्शन होती है जिनको हम इलेक्ट करें वो लोकसभा में पहुंचेंगे, लेकिन राज्यसभा में जो हमसे इलेक्टेड लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वो राज्यसभा में पहुंचेंगे। मतलब लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग हमारी होती है लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन वोटिंग किनकी होगी? तो जिनको हम इलेक्ट करें, मतलब हम जितने एमएलए चुनते हैं जो एमपी चुनते हैं वो सब मिलकर के कहाँ के मेंबर को चुनेंगे? राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे। सो दिस इज ऑफकोर्स द बेसिक फैक्टर दैट कॉल ऑफकोर्स द बिकमेरियल लेजिस्लेचर अकॉर्डिंगली, जहाँ पे स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? स्टेट का। और लोकसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? देश की जनता का रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड हम अगर भारत के संविधान की और भी अगर कुछ व्याख्या करें तो हमारे को अकॉर्डिंगली दो लेवल की गवर्नमेंट है, नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट यूनिट्स मीन्स स्टेट की गवर्नमेंट। लेकिन जब यूनिटरी जहाँ पे होती है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमारे देश में दो गवर्नमेंट है। इवन इन दिल्ली हम दो गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, वन इज ऑफकोर्स द दिल्ली की गवर्नमेंट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड ऑफकोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन भारत में कोई ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ये यूनियन टेरिटरी है, दैट इज कॉल्ड ऑफकोर्स वॉट? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं। सही है? चलिए हमारे देश में भी यूनियन टेरिटरी अवेलेबल है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम अब सिंपल फंडाज की बात करें तो हमने देखा कि भाई हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है, संविधान सुप्रीम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अच्छी तरह से ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, ड्यूअल गवर्नमेंट है, बिकमेरियल लेजिस्लेचर्स हैं, तो हम क्यों ना कहें कि हमारे देश का संविधान जो है वो फेडरल संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और संविधान बनाने वाले ने भी फेडरल बनाना चाहा था, लेकिन अफसोस की बात है ये कंप्लीट फेडरल नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में यूनिटरी फीचर भी मिक्स कर दिया गया। अब बोलोगे वो कैसे, यूनिटरी कैसे हैं? तो सुनो, पहले मैं 5-6 पॉइंट्स ऐसे समझाता हूँ, सब तुमको आता है, फिर मैं रिटर्न दिखाता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी फुल पावर नहीं होती है, स्टेट की अपनी डिफेंस नहीं होती, जो सैनिक फौज जिसको हम कहते हैं, नहीं मतलब कि स्टेट अगर चाहे कि भाई किसी के ऊपर अटैक कर दें या कोई उन पर अटैक कर रहा है तो अपने बचाव करे, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। पॉसिबल स्टेट की अपनी कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं होती, स्टेट की अपनी कोई एविएशन नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट्स में जितने भी की पोस्ट हैं
जो शहर के कलेक्टर्स होते हैं, जो शहर में एसपी होते हैं, वो सब वो एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किए हुए लोग होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, जैसे आईएएस, ये स्टेट से डिक्लेयर नहीं होते, आईपीएस स्टेट्स के नहीं होते। तो ऐसे कई सर्कमस्टांसेस जहां पे हम कहते हैं स्टेट बहुत मजबूर है, स्टेट आपस के एग्रीमेंट से अपने बॉर्डर को इंक्रीज नहीं कर सकती है, डिक्रीज नहीं कर सकती है। अगर यूपी की सरकार और बिहार की सरकार चाहे कि आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें कि बिहार का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को दे दें या उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा बिहार को दे दें, अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो नहीं कर सकते। लाख उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार तैयार हो कि नोएडा दिल्ली को दे देते हैं और दिल्ली का कुछ एरिया यूपी को दे देते हैं, दे कांट डू डेट, यहाँ पे इनके पावर्स अवेलेबल नहीं है। स्टेट अपनी मर्जी से अपनी बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती है। स्टेट को सुपरवाइज करने वाला गवर्नर भी होते हैं और गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय हु? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि स्टेट की कुछ लिमिटेशंस, कुछ फीचर्स हैं। हद तो तब हो जाती है जब स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो हैं कुछ गलत हो, स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना कर पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड गवर्नर ही सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में आर्टिकल 356 लगा देती है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि उस स्टेट में आर्टिकल 356 लगा दीजिए, और प्रेसिडेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। और हद तो तब हो जाती जब स्टेट की असेंबली भी डिजॉल्व कर दी जाती है। यकीनन यहाँ पे स्टेट का जो एक्शन है वो कम्प्लीटली नलीफाई हो जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि साहब बताओ भारत का संविधान यूनिटरी है या फेडरल है, ये क्वेश्चन तकरीबन कई बार पेपर में आए हुए हैं, 10 मार्क्स में कई बार आए हुए हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, यूनिटरी या फेडरल? बोलिए, आपको पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का संविधान यूनिटरी है या फेडरल है, क्या बताओगे, क्या बताओगे, यूनिटरी या फेडरल? क्या गुड, बिल्कुल सही पकड़ा, फेडरल तो है विथ यूनिटरी फीचर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई हमारे देश का संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर मिक्स्ड है या फिर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर मिक्स है, ए बी सी और डी, बताइए इन चारों में क्या सही है? सी इज द राइट आंसर। संविधान फेडरल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कंप्लीट फेडरलिज्म को वो मेंटेन नहीं कर पाई और वहां पे क्या हो गया, यूनिटरी फीचर्स अवेलेबल हो गई। जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो पूरी देश की सरकार जो है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, और पूरी कंट्रोल किसके ऊपर चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। तो ऐसे कई वाकयात हैं जहां पे हम देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, यूं तो बनाने वाले ने फेडरल बनाया, लेकिन इसमें यूनिटरी फीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ गए, बहुत ही ज़्यादा यूनिटरी फीचर्स होने की वजह से जो हमारे देश की संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बन गई, ऑफकोर्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। अगर ये पेपर में आएगा तो तुम पहले यूनिटरी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करो, फिर फेडरल को एक्सप्लेन करो, फिर हमारे देश के संविधान की खासियत बताओ, पॉइंट्स लिख दो काफ़ी हैं, फिर बताओ कि यूनिटी टच क्या क्या है। मैंने ये भी स्पेसिफाई किया है बुक में, जस्ट नीचे देखोगे यूनिटी फीचर्स आपको बताई गई, यहाँ पे देखना अगले पॉइंट्स के ऊपर, देखिए ये सब यूनिटी फीचर्स हैं। देयर इज ए सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल यूनियन, तुम किस कहाँ के रहने वाले हो, सिटीजनशिप तुम्हारी क्या है, क्या इंडियन है या पंजाबी है, वो पंजाब का रहने वाला है बट उसकी सिटीजनशिप पंजाबी नहीं है, उसकी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन है, वो इंडियन ही बोलेगा अपने आप। तो ये भी एक
क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ भी दिख रही है। 249 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट के लिस्ट में भी जाके लॉ बना दे। तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लिस्ट टू में लॉ कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। लेकिन आर्टिकल 249 कहता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं जहां पार्लियामेंट स्टेट के लिस्ट में कानून बनाएगी। जुडिशरी की कोई डिवीजन नहीं है, जैसे कि किसी भी स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, किसी भी स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। स्टेट में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से डिफीट होते हैं तो सभी को दिल्ली आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी लगती है, एक बार ही लगी है अभी देश में इमरजेंसी, तो सारी कमांड, पूरे देश की कमांड किसके हाथों में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है, और जितने भी संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब के सब सस्पेंड हो जाते हैं। ई, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होती है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, मींस आर्टिकल 356 लगाई जा सकती है। आर्टिकल 3 प्रोवाइड कर रहा है कि यूनियन पार्लियामेंट कैन यूनिलेटरल एक्शन से इंक्रीज या डिक्रीज स्टेट के एरिया को नहीं कर सकती। जैसे मैंने तुमको बोला था कि भाई गाजियाबाद दिल्ली को दे दो, दिल्ली का कुछ एरिया यूपी को दे दो, इट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल। प्रेसिडेंट इम्पावर्ड है स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करें और वो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते हैं। और इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा देश का जो संविधान है वो संविधान क्या है, नॉर्मली फेडरल है विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने स्कूल लेवल पे, हालांकि अब स्कूल पास करने का टाइम हो गया, क्या तुमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है कभी? कुछ तुमने पढ़ा फंडामेंटल राइट? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या निर्मला, क्या फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ आइडिया है? एक दो फंडामेंटल राइट मुझे बताओ जरा, कुछ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन ही सबसे पहले याद आया, क्योंकि ये ऐसी एक फंडामेंटल राइट है जो अभी कभी ऐड की गई है। और कुछ फंडामेंटल राइट बताइए। राइट टू फ्रीडम, किस बात की फ्रीडम, किस बात की, बोलने की आजादी, और कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम कहना चाहते हो, और कुछ, घूमने की आज़ादी नहीं, लाइफ की आज़ादी, लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये सब है ना, ये सब फंडामेंटल राइट। और एक बात सोच के रख लो, इंसान का सब कुछ वायलेट हो सकता है, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, रात के 2 बजे भी वायलेट होती है, तो मेरे पास अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट खुलवा दें, रात के 2 बजे हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के पर खड़े हो जाएंगे, रजिस्ट्रार पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, हम बता रहे कि सर हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है, देखिए हमारे साथ ये हुआ है। अच्छा ऐसा हुआ है, लिख के दीजिए एप्लीकेशन, पिटीशन बना के दो, जज साहब को अभी बुलाते हैं, रात को कोर्ट खुलवाते हैं, जज साहब आपकी बात अभी सुनेंगे। जब फंडामेंटल राइट की वॉलेशन होती है ना, तो बहुत बड़ा सीरियस इशू होता है, कोर्ट रात में भी खुल जाती है। तुमने देखा कभी रात में कोर्ट खुलते हुए, कभी सुना हो देखा हो? हाँ, मूवीज में नहीं, एक्चुअल में, कभी न्यूज, अभी खुली थी, जब बैंगलोर, जब कर्नाटका में जो किसको सरकार बनाने के लिए बुलानी है, जब इसका इश्यू आया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो सुप्रीम फंडामेंटल राइट का वॉलेशन का एक केस बना था, और रात के 2 बजे कोर्ट खोल के उसकी सुनवाई हुई थी, जज 2 बजे रात में बैठे थे। जब अभी हाल में कुछ दिन पहले किसी को फांसी दी गई, क्या नाम था, मिलिटेंट वॉज देयर, क्या नाम था अभी जो फांसी दी गई लेटेस्ट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तुम्हें याद होगा नाम, लेटेस्ट किसी को फांसी हुई थी अभी हाल फिलहाल, क्या, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में अपराधी था कसाब के बाद, 20 क्या, याकूब करके कुछ था, याकूब मेनन ही नाम थे शायद, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो, सीए था, और
बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसने, और 20-22 साल से उसके ऊपर मुकदमा चल रही थी, और फाइनली कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी थी, और फांसी की सजा को सब ने अपहोल्ड कर दिया था, और इवन प्रेसिडेंट ने भी अपहोल्ड कर दिया था, और सुबह फांसी होने वाली थी उसको, यकूब मेनन ही नाम था मेरे ख्याल से शायद, सुबह उसको फांसी होने वाली थी, और रात को वकील को कुछ नए पॉइंट्स मिल गए कि शायद इस पॉइंट पे इसको बचाया जा सकता है। रात के 2 बजे सारे वकील कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आगे इकट्ठे हो गए और पिटीशन ड्राफ्ट करके कोर्ट में दिया। 3 बजे तकरीबन जज साहब बैठ गए और जज कोर्ट खुल गए, जज साहब बैठ गए, पूरी सुनवाई हुई, और नेचुरली हालांकि जज साहब ने भी फांसी ही बताया, लेकिन मेरा बताने कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है किसी का, तो ये बहुत सीरियस केस होता है। संडे मंडे होली दीपावली दशहरा ईद वगैरह कुछ नहीं देखी जाती है, जब इंसान कोर्ट पहुँच जाए वहीं उसका केस दिया जाता है और इमीडिएटली सुनवाई होती है, जज इमीडिएटली बैठते हैं। दैट इज ऑफकोर्स द मेन फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। अच्छा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसी के बारे में मुझे कुछ बताना है। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें घर से बाहर ना निकलने दें, चलो घर में बंद रहो, बाहर से लॉक कर दिया, बड़े परेशान हो उनसे कि बिल्कुल आज़ादी ही छीन रखी है, तुमने भी फंडामेंटल राइट पढ़ा, क्या तुम उनके खिलाफ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन का मुकदमा फाइल कर सकते हो? कोई वकील साहब का नंबर मिल गया कि वकील साहब मैम घर में बंद है, पापा के खिलाफ एक कोर्ट में रिट फाइल कीजिए फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन का, कैन यू डू और नॉट, कर सकते हैं? एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है वो हम क्लेम किससे करते हैं? क्या फादर से क्लेम करते हैं, या टीचर से क्लेम करते हैं, या सरकार से क्लेम करते हैं, या किसी और से क्लेम करते हैं? जिससे क्लेम करते वही तो देगा, और जो देगा वही तो वॉयलेट करेगा। तो हम फंडामेंटल राइट क्लेम सुन लो किससे करते हैं, स्टेट से क्लेम करते हैं। जिसे हम क्लेम करते हैं उसका नाम क्या है, स्टेट। तो क्या फादर स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं? अगर फादर स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं तो हम फादर के खिलाफ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन का केस फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते। अब बातें समझ में आ रही, स्टेट का डेफिनेशन समझना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो इंसान है जो हमको फंडामेंटल राइट देता है। अगर ये मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया है तो हम इसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। क्या पापा स्टेट है? तो सुनो, स्टेट का डेफिनेशन क्या कहते हैं, और बड़े ध्यान से देखो स्टेट का डेफिनेशन के बारे में। स्टेट आर्टिकल नंबर 12 डिफाइन करता है, आर्टिकल 12 इन पार्ट 3, एक मिनट है, जब भी बोलूंगा पार्ट 3, तो पार्ट 3 का मतलब फंडामेंटल राइट होता है। क्या होता है फंडामेंटल राइट? वेल, डिफाइनिंग द टर्म स्टेट गिव्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, स्टेट का एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देते हैं। एक मिनट ठहरो, डेफिनेशन 2 तरह की होती है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है क्या, एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा शुरुआत होगी इंक्लूड से, और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन शुरुआत होगी किससे, मीन्स से। अगर हम कहेंगे स्टेट मीन्स, देन इट्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव में फर्दर एडिशन अलाउड नहीं है, नो फर्दर एडिशन इज अलाउड। अगर हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की बात करें तो फर्दर एडिशन अलाउड नहीं है, लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करें तो फर्दर एडिशन जो है इज अलाउड। अगर हम इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करें तो फर्दर एडिशन अलाउड है। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की बात करता हूं तो फर्दर एडिशन अलाउड नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करता हूं तो फर्दर एडिशन अलाउड है। हम कहते हैं सैलरी इंक्लूड्स, डीए बोनस इंक्लूड्स बोला है, तुम्हें और भी कोई नई अलाउंसेस दिख गई तो वो भी ऐड कर दो। लेकिन अगर मींस बोलता तो जो 2 बोला था वही 2 हो जाता, कोई और नहीं होता। अब सुनिए मेरी बात को, स्टेट का डेफिनेशन कहता है, सुनिए ध्यान से, कहता है स्टेट
आर्टिकल 12 पार्ट 3 डिफाइन स्टेट्स गिव्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ध्यान रखना, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. मैं इसका मतलब अभी तुमको बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले मेरे को डेफिनेशन क्लियर कर लेने दो. मैं इस लाइन को रिजर्व रख रहा हूं, इसका मतलब मैं तुमको अभी बताऊंगा. स्टेट इंक्लूड्स, देखो स्टेट किसको किसको कहते हैं. पहली बात गवर्नमेंट, भारत की सरकार जो है, और पार्लियामेंट, जो भारत की सरकार है और पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट की हर एक लेजिस्लेचर. मैं रिपीट करता हूं, स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट की कौन, लेजिस्लेचर. और तीसरी बात, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या इंडिया के बाहर जो कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, पहले वाले एक एग्जांपल दो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑल लोकल अदर अथॉरिटीज, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होगी, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी एक्ट ऑफ इंडिया होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होगी, ये सब के सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं. और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, चाहे भारत की एम्बेसी फॉरन में है, वो भारत सरकार के कंट्रोल में है, तो वो भी क्या है, स्टेट के डेफिनेशन आई. कोई स्कूल स्टेट के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी. यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी. हमारा इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, हम स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे. देखो जो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आते उनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन का केस नहीं लगाया जा सकता. क्या एयरटेल स्टेट के डेफिनेशन में आएगी, समझना पड़ेगा. स्टेट इंक्लूड्स है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, थोड़ा केस स्टडी से भी और एनालाइज करनी पड़ेगी. तो अगर तुमसे अभी मोटा मोटी पूछा जाए कि स्टेट क्या है, तुम बोलोगे तीन चीजों को स्टेट कहते हैं, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल अदर अथॉरिटीज, या तो भारत के अंदर है या भारत के बाहर है लेकिन भारत सरकार के कंट्रोल में है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे. फिर कहते हैं लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, अदर अथॉरिटीज, ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको हम क्या कह देंगे, ऑल दिस पीपल आर कॉल्ड एज अफकोर्स वॉट, ऑल दिस पीपल आर कॉल्ड अफकोर्स द स्टेट. हम सभी को क्या कहते हैं, सब के सब, हम कहते हैं कि ये सब के सब क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं. ईच एंड एवरी पीपल आर कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, सही है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच करके एक प्रॉपर सी बात बताओ. अच्छा अभी स्टेट का जहां तक डेफिनेशन था, इंक्लूसिव था या एग्जॉस्टिव था, इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है. तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ स्टॉक एक्सचेंज स्टेट है क्या, तुमको तुम्हारे स्कूल स्टेट है क्या, एयरटेल स्टेट है, हमारा इंस्टीट्यूट स्टेट है, मदर डेयरी स्टेट है, बस वाला जो बस कंडक्टर है, बस जो चलाते वो स्टेट है, मेट्रो स्टेट है. डेफिनेशन को शुरू से करो, क्या लिखता है डेफिनेशन, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. अगर किसी के लिए स्पेसिफाई किया जाता है कि ये स्टेट नहीं है तो वो स्टेट नहीं, अदरवाइज इनमें जो भी बातें हैं वो सब क्या है, स्टेट्स हैं. लेकिन एक बात देखिएगा, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, कुछ एजेंसी ऐसी होती है जो गवर्नमेंट की होती है, मतलब जो गवर्नमेंट का ही काम करती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका काम है कि सरकार के लिए बुक प्रिंट करना, जितने भी सीबीएसई की बुक है वो प्रिंट करती है, सीबीएसई के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को प्रिंट करती है, पूरी की पूरी वो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है. या अलंकृत, गवर्नमेंट उसको पैन कार्ड बनाने का काम देती है. एक कंपनी जो गवर्नमेंट के लिए आधार कार्ड बनाती है, क्या हम इन सबको स्टेट कहते हैं?
तो यहां सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस है, या आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का केस है। वो कहता है वो कॉरपोरेशन जो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करती है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, हम उनको भी क्या कहेंगे? इवन दैट थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्ट व्हाट स्टेट। मैं रिपीट करता हूं, कॉरपोरेशन एक्टिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब अलंकृत गवर्नमेंट के लिए पैन कार्ड बनाने का काम करती है, तो अलंकृत को भी हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे, हम इसको स्टेट कहेंगे। तो यहां पे कहती है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है वो सब के सब क्या होगी? स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। क्या स्टॉक एक्सचेंज को स्टेट कहेंगे? तो यहां भी केस है सतीश नायक वर्सेस कोचिंग स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंगली कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करती है, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए स्टेट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। बिकॉज केस स्टडी कोर्ट ने कहा कि वो चूंकि कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करती है और सरकार के कंट्रोल में भी नहीं होती है, इन दैट केस वी कैन से दैट द स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट ए स्टेट। और अगर एक बात और करूं, सुप्रीम कोर्ट अजय नाशिया वर्सेस खालिद मुजीद का एक केस है जिसमें कोर्ट ने एक पैरामीटर दिया कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के डेफिनेशन में आ रही या नहीं आ रही है, उसको चेक करने के लिए इन पांच बातों का ध्यान रखो, पांच पॉइंट्स को ध्यान रखो। क्या एयरटेल स्टेट है? क्या डीएमआरसी स्टेट है? डीएमआरसी सरकार की इंस्ट्रूमेंट है, एजेंसी है, वो स्टेट है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई एयर इंडिया स्टेट है, जेट एयरवेज स्टेट है। अगर स्टेट है ये तो इन क्या फर्क पड़ जाता है? अगर ये स्टेट है तो थोड़ा मेरे साथ गलत करके बताए, रात के 2 बजे कोर्ट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन स्टेट नहीं है ये और हम कोर्ट में पहुंच गए, तो वही बोलेंगे सर ये तो गलती से आ गए, तो हम तो स्टेट है ही नहीं, हमारे ऊपर तो ये प्रोविजन ही नहीं लगती, हम तो स्टेट ही नहीं है। तो जिसके अगेंस्ट तुम जा रहे हो वो स्टेट है या नहीं है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। अब एयरटेल ने तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की, भाई तुम्हारे से कुछ चार्ज कर रहे हैं और तुम्हारे फ्रेंड से कुछ और चार्ज कर रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तुमको बिना रीजन का तुमको मोबाइल कनेक्शन ही दे रहे हैं। वो कहते नहीं साहब तुम चूंकि इस कास्ट को बिलोंग करते हो तो हम इस कास्ट के लोगों को मोबाइल कनेक्शन ही देते हैं, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग से बिलोंग कर रहे हो हम तुम्हें मोबाइल कनेक्शन ही देंगे। अगर एक मॉल कहती है कि भाई यहां पे उन कास्ट के लोगों को आने की परमिशन नहीं है जो अनटचेबल हैं, जो बहुत ही पिछड़ी जाति के हैं, वो इस मॉल में ना आए, क्या वो रोक सकते हैं? अगर वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं और रोकते हैं तो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन, अगर नहीं आते हैं तो फिर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन का केस तो एटलीस्ट नहीं है। तो हमें देखना है कि वो मॉल स्टेट के डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं, ये टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनी स्टेट के डेफिनेशन में आ रही कि नहीं, ये जेट एयरवेज स्टेट के डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको इन बातों को पता लगाना है ताकि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन करे तो हम समझ पाए कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 गाइडलाइंस सुझाए, 6 गाइडलाइंस दिए, उनको देख ध्यान से देखना। कहता है अगर इंटायर शेयर कैपिटल, कहता है कि अगर इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर पूरी की पूरी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करे तो हम कहेंगे कि वो एस्टैब्लिशमेंट क्या है? स्टेट है। पूरी कैपिटल अगर गवर्नमेंट होल्ड करे तो हम कहते हैं कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के डेफिनेशन आ रही है, कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, सारी कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। जैसे बीएसएनएल की सारी शोल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कैन वी से दैट बीएसएनएल इज द स्टेट? बिल्कुल बीएसएनएल स्टेट है। दूसरी बात, अगर
फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट इट इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन. कोई ऐसी कॉरपोरेशन है जिसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे? इवन दैट थिंग इज ऑल्सो द स्टेट. कॉरपोरेशन मोनोपोली स्टेटस को इंजॉय कर रही है, मतलब वैसा बिजनेस किसी का है ही नहीं, इनकी उस बिजनेस में क्या है? मोनोपोली है. तो अगर कॉरपोरेशन मोनोपोली स्टेटस को इंजॉय कर रही है तो भी स्टेट के डेफिनेशन में आती है. एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का कंट्रोल है, या फिर फंक्शंस पब्लिकली इंपॉर्टेंट है जैसे एविएशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, तो ये पब्लिकली इंपॉर्टेंट है. तो एयरटेल भी स्टेट है और जेट एयरवेज भी क्या है? स्टेट है. और वो मॉल भी स्टेट है बिकॉज वहाँ भी पब्लिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें वो. या फिर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र की गई है, जैसे पहले गवर्नमेंट की एक्टिविटी थी, अब गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को वो काम करने को दे दिया, तो हम क्या कहेंगे? स्टेट है. तो एक बार रिपीट करता हूँ, स्टेट डिफाइंड है अंडर विच आर्टिकल 12, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट वॉट एवर, लोकल और अदर अथॉरिटीज. फिर हमने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट से कोई कॉरपोरेशन, वो भी स्टेट है. स्टॉक एक्सचेंज स्टेट नहीं है. अपार्ट फ्रॉम डेट कोई कॉरपोरेशन स्टेट है कि नहीं है, वो देखने के लिए देखना है क्या इंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, क्या गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, क्या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चलती है, क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर, क्या पब्लिकली इंपॉर्टेंट है वो और कॉरपोरेशन, क्या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के काम उस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किया गया है. अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको क्या कह देंगे? स्टेट है. जुडिशरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. कोर्ट, क्या जुडिशरी को स्टेट के डेफिनेशन मिलेंगे? थोड़ा पढ़ के देखिए जुडिशरी के बारे में क्या कह रहे हैं, वेदर जुडिशरी इज द स्टेट और नॉट. दिस वन, नाउ इट वॉज एंड मैं यहां पे थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करके लिख के बताता हूं, वेदर जुडिशरी इज द स्टेट और नॉट क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है 5 नंबर में, वेदर जुडिशरी इज ए स्टेट फॉर जुडिशियल एक्टिविटी. ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल एक्टिविटी, जुडिशियल एक्टिविटी के लिए एंड फॉर नॉन जुडिशियल एक्टिविटी. फॉर जुडिशियल एक्टिविटी बोलिए क्या लिखूं मैं स्टेट, पढ़ के देखिए एक बार. जुडिशियल एक्टिविटीज के लिए जुडिशरी स्टेट में आएगी या नहीं आएगी, एक बार पढ़ के देखिए. नॉट ए स्टेट, और ये स्टेट है. मैं अभी समझाता हूँ दोनों चीजें क्या हैं. So to make out the point, so for judicial activity, can we say that it is a state? अभी देखिएगा judicial activity का मतलब क्या हुआ, जज साहब इंसाफ कर रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं. लेकिन नॉन जुडिशियल एक्टिविटी क्या होता है, कि कोई कानून वैलिड है या इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है, उनको चेक करते हैं. कई बार देखते हैं ना कोर्ट कमेंट करती है, देखती है कि भाई ये चीज़ सही हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रहा है, उन चीज़ों को देखती है.
then that is for non-judicial activity. It is a state. और judicial activity के लिए फिर state नहीं है. Position is that court perform judicial function. For example, determination of a scope of fundamental rights. और इसमें हम state नहीं कहेंगे, लेकिन non-judicial function है, जैसे rule बनाने का power. तो इन सब को क्या कहेंगे? Judiciary को क्या कहेंगे? State कहेंगे. तो अगर तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए आईसीएसआई पॉसिबली आईसीसी के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या ये स्टेट्स हैं? 5 मार्क्स में क्वेश्चन. तो आईसीएसआई स्टेट है? बिल्कुल है, राइट ना. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक. ये गवर्नमेंट की बॉडी है, पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की बॉडी है, इवन दिस इज ऑल्सो स्टेट. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक, इट्स एन स्टेट देयर, ये स्टेट है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टेट नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल फंक्शन और फॉर नॉन जुडिशियल फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करोगे. सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया? जुडिशरी. तो जुडिशरी स्टेट होती है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया था. फॉर जुडिशियल पर्सन फंक्शन इट्स नॉट ए स्टेट एंड फॉर नॉन जुडिशियल फंक्शन इट इज द स्टेट. नॉन जुडिशियल के लिए स्टेट है. नॉन जुडिशियल के जैसे लॉ मेकिंग पावर हो गया, रूल्स को एग्जामिन करने का पावर, तो वहां स्टेट है. वन मोर इशू वी गॉट देयर, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब इसके ऊपर थोड़ा आइएगा और इस मसला को थोड़ा समझिएगा. पहले हेडिंग समझ लो क्या है. हम पढ़ क्या रहे हैं? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लिखने वाले ने जो लिखा है उन चीजों को उसी के सेंस में समझना. दैट थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कोर्स द इंटरप्रिटेशन. मीन्स आज शायद वो लिखने वाले नहीं रहे, संविधान लिखने वाले आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके वर्ड्स आज भी अवेलेबल हैं. अगर हमको उनके वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है तो हम किससे पूछेंगे? क्या उनसे पूछ सकते हैं? उनसे नहीं पूछ सकते हैं. मतलब इंटरप्रिटेशन खुद से करना पड़ेगा. और इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, बस हम उसी रूल्स को पढ़ने जा रहे हैं. और ये 3 रूल्स को ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. यहां ध्यान रखिएगा और इस पे देखिएगा. आर्टिकल 13 जो है, देखो स्टेट को एक मैंडेट देता है. मैंडेट का मतलब क्या होता है? आदेश. आर्टिकल 13 स्टेट को आदेश देता है. स्टेट मतलब किसको? उत्तर प्रदेश को या बिहार को या पंजाब को? किसको? उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब को? स्टेट का मतलब आर्टिकल 12, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, लोकल और अदर अथॉरिटीज, सबको एक आदेश देता है कि नॉट टू मेक एनी लॉ विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट का वायलेट करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे. और जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब संविधान जब आई थी उससे पहले भी पुराना लॉ था. संविधान कब आया? 1950 में. उससे पहले जो कानून था वो कानून अगर फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसका क्या होगा? तो कहता है इनकंसिस्टेंट है. अगर वो
विद द राइट कंटेंट इन पार्ट थ्री. पार्ट थ्री का मतलब क्या है? पार्ट थ्री का मतलब अभी बताया था, फंडामेंटल राइट वुड बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी. मतलब जितनी प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है उतना प्रोविजन क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा. उतना प्रोविजन क्या होगा? वर्ड होगा. तो सुनो, आर्टिकल 13 स्टेट को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून ना बनाना जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, और अगर स्टेट तुमने ऐसा कोई कानून बना दिया तो वो कानून क्या होगा? वर्ड होगा. कितने तक? क्या सारा का सारा? नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? इनकंसिस्टेंसी. अच्छा, इससे दो बातें जनरेट होती हैं, एक ये और एक ये भी. ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे है, और ये बाद में बने हुए लॉ के ऊपर है. सबसे पहली बात आर्टिकल 13 कहता है, ध्यान दो, तीन बात आर्टिकल कहेगा, 13 कहेगा, तीन बातों को कहेगा. पहला, स्टेट को ऐसा कानून मत बनाना जो फंडामेंटल राइट को क्या करे? कॉन्ट्राडिक्ट करे. स्टेट पूछी कि संविधान, अगर हमने पहले से कोई ऐसा कानून हम कैरी करते आ रहे हैं अंग्रेजों के जमाने से, तो उसका क्या होगा अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करे? तो संविधान कहता है कि सुनो, उसका क्या होगा फिर? जितना पोर्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उतना पोर्शन वॉइड होगा, और जितना पोर्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है वो पोर्शन क्या होगा? वैलिड होगा. फिर कहते हैं, क्या हम आगे ऐसा कोई कानून बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हो. लेकिन अगर ऐसा लॉ बना लिए, इफ सच लॉ इज मेड, इट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच कर्टाइल्स एनी सच राइट. अगर तुमने बना लिया तो भी क्या होगा? उतना पोर्शन वॉइड होगा जितना पोर्शन क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. जितना पोर्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उतना पोर्शन क्या होगा? वॉइड होगा. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनिए ध्यान से बातों को. आर्टिकल 13, बिल्कुल आर्टिकल 13 बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स का. आर्टिकल 13 पूरे देश की जो सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो फंडामेंटल राइट को क्या करे? कॉन्ट्राडिक्ट करे. फिर कहता है, अगर ऑलरेडी बना चुकी है तो पहले से भी तो बनी हो सकती है, तो जितना पोर्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उतना पोर्शन क्या होगा? वॉइड होगा. बाकी क्या होगा? वैलिड होगा. फिर कहता है कि अगर आगे सरकार कानून कोई ऐसा बना दे, जैसे गवर्नमेंट ने ऐसा आगे बहुत कानून बनाया था, जैसे टाडा हो गया, कोफी फेसा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट हो गया, ऐसे कई कानून गवर्नमेंट ने बनाए थे, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो गया, ये सारे ऐसे कानून थे जहां फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रही थी. तो आर्टिकल 13 कहता है कि जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर रहा है उतना पोर्शन क्या होगा? कटाइल, मतलब काट के हटा दिया जाएगा, बाकी पोर्शन क्या होगा? वैलिड होगा. दैट इज अफकोर्स सेक्शन 13. तीन बातों पे है. पहला बात देखना, सेक्शन 13 का मैंडेट है. मैंडेट का मतलब क्या हुआ? आदेश. दूसरा पोर्शन मैंडेट के अलावा, जो सेकंड पोर्शन आपके सामने दिख रहा है, आर्टिकल 31, द फर्स्ट पोर्शन यू फाइंडिंग ऑफ द मैंडेट, और सेकंड पोर्शन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एंड थर्ड पोर्शन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. और इन तीनों की बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक उद्देश्य है कि फंडामेंटल राइट को क्या करें? बचाया जाए, फंडामेंटल राइट को सेव किया जाए. चलिए, इन्हीं के दरमियान, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को बचाने के दरमियान कोर्ट ने अलग अलग डॉक्ट्रिन का इजाद किया. डॉक्ट्रिन समझते हो ना तुम? डॉक्ट्रिन समझते हो?
फाउंडेशन लेवल में भी डॉक्ट्रिन्स पढ़ा होगा, एक दो डॉक्ट्रिन बता दो क्या पढ़ा था, जैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम वर्ड होगी, कंपनीज एक्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी भी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सब डॉक्ट्रिन पढ़े थे, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, ये सब कंपनी लॉ में ये डॉक्ट्रिन है, कंपनी लॉ जिसने नहीं पढ़ा पढ़ोगे तो जरूर पढ़ोगे। अदरवाइज फाउंडेशन लेवल की डॉक्ट्रिन की बात करूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी, स्टैंडर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉफल, ये सब क्या है डॉक्ट्रिन से। और एक डॉक्ट्रिन्स, अब कुछ डॉक्ट्रिन्स हमको यहाँ पे देखने हैं, ध्यान दो चार डॉक्ट्रिन्स से एक डॉक्ट्रिन पेपर में हमेशा आ जाते हैं, कुछ भी हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, एवरी टाइम यू विल बी आस्किंग 20 मार्क्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ 6 पेज मिला है, 6 पेज का नहीं है, 25 पेजेस के नोट्स हैं इसके, 25 पेज के हैं, तुम 6 पेज देख के खुश होगे कि भाई 6 पेज में 20 नंबर, ये तो बड़ा आसान हो गया फिर तो। पहला डॉक्ट्रिन सीवियर एबिलिटी, चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी। सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर मींस काट के हटा देना, दैट्स कॉल्ड सीवियर, किसी चीज को काट के हटाना। तो जैसे कि आर्टिकल 30 ने डिक्लेयर किया कि साहब ये पूरी की पूरी लॉ वॉइड नहीं होगी अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो क्या पूरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वॉइड हो गया? तो सीवियरेबिलिटी कहता नहीं, इट्स नॉट द इंटायर लॉ शैल बी डिक्लेयर्ड एज अपोज द वर्ड, इट्स ओनली दोज पोर्शन विच कॉन्ट्राडिक्ट द फंडामेंटल राइट, इट शैल बी कर्टाइल्ड फ्रॉम दैट लेजिस्लेशन, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ वॉट सीवियरबिलिटी। आर्टिकल 13 डिक्लेयर कर रहा है इट इज नॉट द इंटायर लॉ विच इज इफेक्टेड बाय द प्रोविजन इन द पार्ट 3, बट अ लॉ बिकम्स इनवैलिड ओनली टू द एक्सटेंट टू विच इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकंसिस्टेंट फैक्टर्स है उसको सिर्फ हटा दो और रेस्ट को क्या करो, स्टैंड रखो, बनाए रखो। ऑन दिस पॉइंट क्लेरिफिकेशन हैज बीन मेड बाय द कोर्ट दैट इनवैलिड पार्ट जो लॉ की है उसको हम काट के हटा देंगे, सीवियर कर देंगे, और इसी को कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरबिलिटी। इट वॉज एंड एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रॉस, स्टेट ऑफ मैड्रॉस, स्टेट ऑफ मैड्रॉस कहां पर है, देखा है कभी स्टेट ऑफ मैड्रॉस, सुना है मद्रास के नाम से भी कोई स्टेट है, अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी, बॉम्बे का कुछ हिस्सा, कुछ गुजरात का हिस्सा, कुछ चेन्नई की तरफ का कुछ पोर्शन मिला करके एक स्टेट हुआ करता था जो जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैड्रॉस जिसको हम कहते थे। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, 1970 में स्टेट ऑफ मैड्रॉस डिजॉल्व हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बातें कही थी कि साहब अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो पूरी कानून को इनवैलिड मत करो, जितना पोर्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उतना पोर्शन को सीवियर काट के अलग कर दो, वो हटा दो, बाकी जो पोर्शन वैलिड स्टैंड आउट हो सकता है उसको आप स्टैंड आउट रखो, नो प्रॉब्लम्स देयर, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरबिलिटी। दिस वन चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब एक बात सुनो, तुम देखते हो सरकारी स्कूल चलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल चलती है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, क्यों चलती है ये, क्यों होता है ये,
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सरकार को स्कूल चलाने की क्या जरूरत है और हॉस्पिटल चलाने की क्या जरूरत है? क्या सोशल वेलफेयर क्यों करेगी गवर्नमेंट? सोशल वेलफेयर क्यों करती है? क्या सरकार बंद कर सकती है कि अब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा और कोई प्राइवेट कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल सबको बैन करना चाह रही, बंद करना चाह रही है। अब जैसे होता है ना, गवर्नमेंट अपनी बिजनेस से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अब सोचती है हम स्कूल और हॉस्पिटल भी बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट। अब रीजन समझो क्या है। रीजन है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ी कनेक्टिविटी है। संविधान का आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब 21 पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल बताऊंगा। कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। लाइफ मतलब लाइफ का अधिकार सबके पास है, उसकी लाइफ स्वस्थ हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको रहने की बंदोबस्त सही मिले, एक इन्वायरमेंट सही मिले, ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। प्रॉपर हेल्थ मिले उसको, और प्रॉपर हेल्थ हो इसके लिए सरकार के लिए रिक्वायरमेंट है कि सरकार हॉस्पिटल मेंटेन करे, स्टडी अच्छी हो सरकार स्कूल मेंटेन करे। ये सारी ड्यूटी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकती। बिकॉज हर एक का फंडामेंटल राइट सिक्योर करना है। क्या एक पर्सन अपने फंडामेंटल राइट को वेव कर सकता है, छोड़ सकता है कि भाई हमें जीने का अधिकार तो है लेकिन हम तो मरना चाहते हैं, हम सुइसाइड करना चाहते हैं? क्या सुइसाइड करना फंडामेंटल राइट का पार्ट हो सकता है? क्या हम लाइफ के राइट को वेव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार उठा, कई बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जब कभी भी ऐसा होता है कि इंसान के लाइफ जो है काफ़ी पेनफुल हो जाए, इवन वो मर्सी किलिंग की रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा मेडिसिन से कोई इलाज नहीं हो सकता और जो लाइफ है वो बड़ी बेकार हो गई है, पेन होता रहता है, दर्द होता रहता है, जीना बेकार है हमारा, तो आप मेरे को ना वो कोई इंजेक्शन दे दो डेथ के लिए। कई देश में ऐसा होता है जो डेथ की इंजेक्शन दे दी जाती है, वो मर जाता है। लेकिन भारत में चूंकि एक फंडामेंटल राइट है लाइफ का, भारत में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि लाइफ का अधिकार है लेकिन हम अगर वॉलंटरी उसको वेव करना चाहते हैं तो क्या वेवर अलाउड है कि नहीं है? कई बार कोर्ट से पूछा गया कि जज साहब वेवर करना चाहते हैं फंडामेंटल राइट को, वेव कर सकते कि नहीं? इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो कोर्ट क्या कहती है वेवर के बारे में, जरा ये इस पे पढ़वाइए, इस पे ध्यान देखिए। कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट्स इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ए पर्सन इज बेस्ट जज एंड ही हैज द लिबर्टी टू वेव द एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट। आपकी आजादी है, आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, जाओ प्राइवेट में पढ़ो, तुम अपने लिए बेस्ट जज को दियो, ये स्कूल अच्छी लग रही इसमें आओ, वो स्कूल अच्छी लग रही उसमें जाओ। तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है भाई मत करवाओ, प्राइवेट में करवाना है कर पाओ। अच्छा तुम एम्स में ट्रीटमेंट करवाने को आए हो, ये भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तुम्हें मना नहीं किया जाएगा। इट इज द जजमेंट डिपेंड्स अपॉन यू, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू वेव द फंडामेंटल राइट और नॉट। लेकिन एक पेन से गुजरता हुआ इंसान भी जज के पास आ गया, वो कहता है जज साहब मेरी लाइफ जो है वो बेकार हो गई है, बहुत डेंजरस बीमारी है, कब मरूंगा पता नहीं, लेकिन जितना दिन जिंदा भी हूँ वो जीवन भी जो है वो मौत से बेकार है, तो हमारे डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दीजिए, हमें अलाउ कीजिए, मर्सी किलिंग अलाउ कीजिए हमारे लिए। तो यहाँ जैसा फिर कुछ बात और कहते हैं, हाउ एवर द पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिज राइट एंड द वेवर शुड बी वॉलेंट्री। अच्छा
मेरे को आधा घंटा लेकर क्लास छोड़ने में, तो सर कोई मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा क्या, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। हाँ, तो डॉक्ट्रिन वॉज डिस्कस्ड इन द बसेश्वरनाथ वर्सेस सीआईटी। इसमें एक बात और कही थी, द वेवर शुड बी वॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री वेवर होना चाहिए। वॉलेंट्री वेवर का मतलब क्या हुआ, आप किसी के दबाव में वेवर ना करो, आप हालात से दबे हुए हो, ये गवर्नमेंट की एक फेल्योर कहलाएगी फिर, कि सरकार ऑफ कोर्स एक पर्सन को फंडामेंटल राइट सिक्योर नहीं कर पा रही है। यकीनन एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि अंत अंत तक उसको बचाने की, उसको ठीक करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे वेवर क्या होता है, कोर्ट ने कभी अलाउ, ऐसे सरकार में स्टाफ में कोर्ट ने आज तक वेवर अलाउ नहीं किया। यहाँ पे बसेश्वरनाथ वर्सेस सीआईटी, मेजॉरिटी हैज एक्सप्रेसिव व्यू अगेंस्ट द वेवर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट ओपन टू सिटीजन टू वेव द फंडामेंटल राइट। और कोई भी पर्सन जो है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इट इज़ नॉट ओपन टू सिटीजन टू वेव द फंडामेंटल राइट, लेकिन वेवर अगर वॉलेंट्री है। और नॉर्मली हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे समझ रहे थे, वेवर में देखिएगा, एनी पर्सन एग्री बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर कुड बी हर्ड, इनको देखा जा सकता है, इनकी सुनवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर क्या फंडामेंटल राइट वेव किए जा सकते हैं, आंसर यस, बट वेवर शुड बी वॉलेंटरी एंड पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज। किस बात की नॉलेज, फंडामेंटल राइट की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने दो डॉक्ट्रिन्स पढ़े, पहला क्या था सेवेरिटी और दूसरा फेवर, चार बताऊंगा और चार में से एक डॉक्ट्रिन पेपर में हमेशा आया हुआ है एवरी टाइम। आज दो डॉक्ट्रिन और बता के मैं आज आपकी छुट्टी कर रहा हूँ, आज के लिए मैं थोड़ा कम करूँगा, लेकिन ये दो डॉक्ट्रिन्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी रेलिवेंट है, थोड़ा इसके ऊपर नजर डालो। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसके ऊपर आते हैं। एक्लिप्स पहले सुना है ये वर्ड, क्या तुमने पहले कभी ये वर्ड सुना है एक्लिप्स? किसको कहते हैं एक्लिप्स? अब और सुनाता हूं, लूनर एक्लिप्स सुना है? लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, अब इसको समझो, बड़ा आसान है समझना, संविधान कब से इंप्लीमेंट हुआ है, 26 जनवरी 1950। अच्छा, मान लो ये डेट है हमारा 26 जनवरी 1950, इससे पहले भी कानून था और इसके बाद भी कानून बनी। इससे पहले क्या कानून था 1950 से पहले, कोई एक दो कानून का नाम बता दो जो 1950 से पहले था। पढ़ा होगा, कई सारे एक्ट पढ़े होंगे, कुछ बता दो एक दो। ट्रांसफर ऑफ, ये कहां से सुन लिया तुमने, है 1882 की बनी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, बट एक्सपेक्टेशन था तुम मुझे बोलोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब पहले की बनी हुई है, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ले लो तो बाहर की बनी, बात की बनी हुई है, फेमा, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये सब क्या है, बाद में बना हुआ है। अच्छा, एक बात सुनो, संविधान से पहले जो कानून था, जो पहले कानून था, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे तो उस कानून का क्या होगा, मुझे ये बताओ। उतना पोर्शन क्या होगा, वार्ड हो जाएगा, और बाकी क्या होगा, वैलिड है। लेकिन इक्लिप्स में एक दूसरी बात कही गई, इक्लिप्स में कहा कि फंडामेंटल राइट से पहले का जो कानून था अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वार्ड नहीं होगा, इन ऑपरेटिव होगा। इन ऑपरेटिव मतलब उसके ऊपर एक ग्रहण लग गया, किसका, फंडामेंटल राइट का। कौन ऑपरेट होगा, फंडामेंटल राइट ऑपरेट होगा। क्या प्रीवियस लॉ ऑपरेट होगा, प्रीवियस लॉ ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं देश में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गई और फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, कई सरकमस्टांस ऐसे होते हैं जहां फंडामेंटल राइट नहीं मिलते,
इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, तो ये हट गया। अब जो पुराना लॉ है वो फिर से सामने आ जाएगा, मतलब अब आपकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, पुराने लॉ के अकॉर्डिंग होगी। दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स व्हाट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई, पूरे देश में इमरजेंसी लगी, और कहते इमरजेंसी के दरमियान आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, ये सब जो फंडामेंटल राइट थी ये सब सस्पेंड होगी। किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं, सारे सस्पेंड। तो फिर उस वक्त कौन सा कानून चल रहा था, तो जो पुराने प्रोविजंस थे अंग्रेजों के वक्त वो सब के सब सामने आ गए, और उसके अकॉर्डिंगली डीलिंग शुरू होगी। दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगर आज भी देश में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी समझते हो, जब देश में बाहरी आक्रमण का खतरा होता है या सैनिक विद्रोह होने की को चांस होता है, तो देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, और प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे पूरे देश में क्या लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। और इमरजेंसी लगते ही पूरे जो अलग अलग स्टेट में जो गवर्नमेंट है उन सब के पावर सीज हो जाते हैं, और सारी पावर किसके पास आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, सीज हो गए। जैसे हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, वो सारे राइट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अब कौन सा कानून चलेगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि ऐसे हालात में वो पुराना कानून सामने आ जाएगा। अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, पढ़ के देखो, जरूर लिखोगे, यही बात है। यहां देखना क्या है, रीड करवाता हूं थोड़ा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बुक पे भी है, तुम्हारे प्रोजेक्टर पे भी है, रिमेन्स इक्लिप्स्ड। मतलब कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले थी वो इक्लिप्स्ड हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद डॉर्मेंट हो गई, मतलब वॉर्ड नहीं हुई है, जो अभी पढ़ा था वॉर्ड हो गई, वो क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। एंड टू द एक्सटेंट इट कम्स अंडर द शैडो ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज इनकंसिस्टेंट विद इट, बट द इक्लिप्स्ड और डॉर्मेंट पार्ट बिकम एक्टिव एंड इफेक्टिव अगेंस्ट द प्रोविजंस जो भी हैं ब्रॉट अबाउट बाई द फंडामेंटल राइट इज रिमूव्ड। जब भी फंडामेंटल राइट रिमूव्ड होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ कोई, और अमेंडमेंट होकर कोई फंडामेंटल राइट आपसे हटा ली गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट के बाद हटी है आज तक के कानून में, आज के तक में कभी कोई फंडामेंटल राइट हटाए, एक राइट हटाए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट। सुने थे पहले, प्रॉपर्टी का राइट पहले हुआ करता था कि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी होल्ड करने का अधिकार है, सही है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बार प्रीवी पर्स को एंड प्रॉपर्टी के राइट्स को रिमूव कर दिया, प्रॉपर्टी के राइट्स को, तो जब रिमूव कर दिया तो कौन से कानून के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू हो गई, जो पुराने कानून थे, जो प्रीवियस कानून थे उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो वही चीज़ हम कहते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, द डॉक्ट्रिन वॉज फर्स्ट इन्वोक्ड, सबसे पहले इन्वोक्ड हुई भिकाजी नारायण डक्रस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड इसमें वैलिडिटी ऑफ सीपी एंड बियरर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 को चैलेंज किया गया, जो गवर्नमेंट को एम्पावर कर रही थी कि रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, और टू टेक अप द इंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस वॉज चैलेंज्ड। इसको चैलेंज किया गया था, कहा था ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुई तो उस एक्टिविटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। दिस वन द भिकाजी नारायण दक्रस का केस आप यहां पे सामने फाइंड आउट कर रहे हैं। टू रिमूव द इन्फर्मिटी द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 पास किया गया, परमिट किया गया स्टेट मोनोपोली क्रिएट करने की,
जैसे होता है ना, पहले स्टेट की मोनोपोली होती थी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, सही है, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था मोटर व्हीकल्स को एक्ट के अकॉर्डिंगली, ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन डिक्लेयर किया गया, बट इक्लिप्स के वजह से यकीनन यहाँ पे पोजीशंस क्लियर किए गए। इन सिचुएशन को देखना बिकाजी नारायण दक्रस, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया, इम्पावर करी थी गवर्नमेंट को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, टेकअप इंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को टेकअप करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास था। इसमें एक्ट परफेक्टली वैलिड थी जब वो बनी थी, लेकिन संविधान आने के बाद ऐसा लगा कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। गवर्नमेंट मोटर व्हीकल्स बिजनेस को एक्वायर करे जब बनाया गया था ये एक्ट बिल्कुल सही था, लेकिन जब संविधान आया तो संविधान में भी एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19(1)(g) जो ट्रेड एंड प्रोफेशन कंडक्ट करने का अधिकार सिटीजन को देता है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा मर्जी है कि मैं भी मोटर व्हीकल्स में डील करूं, लेकिन बेयरर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 गवर्नमेंट को अधिकार देता था कि वो बिजनेस को एक्वायर कर ले, मेरे बिजनेस को वो एक्वायर कर लें। तो एक तरफ हम देखते हैं ये मेरा फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, तो गवर्नमेंट का जो वो एक्ट था वो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट से क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई, तो वो क्या होगा, वॉइड होगी या वैलिड होगी, वो इनऑपरेटिव रहेगी, उसके ऊपर क्या लग गई, इक्लिप्स लग गई, क्योंकि 19(1)(g) हमको अधिकार दे रहा है क्या करने का, बिजनेस करने का, सही है। तो इस इन्फॉर्मिटी को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया गया, जो परमिट किया गया क्रिएशन ऑफ स्टेट मोनोपोली इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एंड कोर्ट हेल्ड दैट द आर्टिकल बाय रीजन ऑफ लैंग्वेज जो भी है, एंड वहां पे कोर्ट ने बताया कि वो इनऑपरेटिव थी, अब वो फंडामेंटल राइट रिमूव होने की वजह से फिर ऑपरेट हो गई। इट वॉज तो फंडामेंटल राइट आने की वजह से वो पुरानी मोटर व्हीकल्स एक्ट थी उसके ऊपर इक्लिप्स लग गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, स्टेट मोनोपोली क्रिएट की गई, तो प्रीवियस लॉ फिर से क्या हो गया, सामने आ गया, स्टेट मोनोपोली क्रिएट की गई 1951 में। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कुछ एरिया में सरकार की मोनोपोली क्रिएट की गई, सरकार की मोनोपोली क्रिएट की गई, और जब सरकार की मोनोपोली हो गई तो आर्टिकल 19(1)(g) का जो राइट था वो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट नहीं रह गया, तो अब कैसे डीलिंग होगी, प्रीवियस लॉ फिर से उठ के सामने आ गया, प्रीवियस लॉ फिर से उठ के सामने आ गया। तो एक्सप्लेन द मैटर वंस अगेन, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 ये पर्सन को राइट दे रहा था, अकॉर्डिंगली इम्पावर कर रहा था गवर्नमेंट को कि रेगुलेट करे, कंट्रोल करे और बिजनेस को टेकअप भी कर ले। मतलब ये जो एक्ट थी, सुनो तीन वाक्यात हुए, ये कानून सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि बिजनेस तुम्हारी और सरकार तुम्हारे बिजनेस को एक्वायर कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल तुम रेलवे के डब्बे बना रहे हो, रेल के डब्बे बना रहे हो, और सरकार को ये कानून अधिकार दे रहा है कि तुम्हारा पूरा बिजनेस वो एक्वायर करे और तुमको कॉम्पेंसेशन दे दे। बोलो अच्छी बात है या बुरी बात है, मेरी मेहनत मेरा बिजनेस सरकार लेके चल दी, वेरी रॉन्ग। जब 1950 में संविधान आया तो ये 19(1)(g) आया, ये कहता है सरकार आप किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सबको अपने बिजनेस करने का अधिकार है। अब बियरड मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट आपको जो अधिकार दे रहा था बिजनेस को टेकअप करने का, वो अधिकार इसने क्या कर दिया, संविधान ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इक्लिप्स्ड कर दिया। तो क्वेश्चन उठा कि बियरड मोटर व्हीकल्स एक्ट वॉइड हो गई या इनऑपरेटिव रही, तो इक्लिप्स क्या कह रहा है, इनऑपरेटिव है। फिर आगे एक और वाक्यात हुआ, अब सुनो आगे क्या वाक्यात हुआ। 1951 में संविधान को ऑल्टर किया गया, फंडामेंटल राइट को ऑल्टर किया गया, और 19(1)(g) में स्टेट मोनोपोली भी क्रिएट की गई। स्टेट मोनोपोली का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें हम आपको नहीं कर देंगे, देश की जनता बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेस कौन करेगी, सरकार करेगी।
सरकार ने बैंक अपने पास रख ली, इंश्योरेंस अपने पास रख ली, रेलवे अपने पास रख लिया, इंश्योरेंस। तो इनमें अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो सरकार तुम्हारे बिजनेस को एक्वायर कर लेगी। तो जो स्टेट मोनोपोली क्रिएट हो गई, तो 191G का जो वो फंडामेंटल राइट था वो क्या हो गया, अब वो हट गया, जो पुराना कानून था वो सामने आ गया। पहले तो वकीलों ने कहा कि नहीं साहब वो कानून तो खत्म क्योंकि 191G आ गया, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा खत्म नहीं, वो इक्लिप्स्ड, वो सिर्फली उसके ऊपर इक्लिप्स लग गई है, पीछे है वो, जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म वो फिर से जिंदा होकर सामने आ गया, दिस वन, सही है, दैट वॉज कॉल्ड द पॉइंट हियर। तो इसको क्या कहते हैं हम, डॉक्ट्रिन ऑफ, तो एक्लिप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ा आता है एक्लिप्स, वेवर, सिवरिटी या फिर सिंगल पर्सन लॉ, सिंगल पर्सन लॉ। अच्छा एक बात बताओ, क्या सरकार एक सिंगल पर्सन के लिए कानून बना सकती है? दे आर मेकिंग द लॉ फॉर एनी सिंगल पर्सन, सिर्फ मेरे लिए कानून बना रही है, या मेरी कंपनी रिलायंस उसके लिए कानून बना रही है, या मेरी एक शुगर फैक्ट्री है उसके लिए कानून बना रही है? कैन द गवर्नमेंट मेक आउट द लॉ फॉर ए सिंगल पर्सन? बस इसी बात को यहां एग्जामिन किया गया, तो जरा समझ के देखिए बना सकती कि नहीं, बिल्कुल बना सकती है, यही बात यहां कहा गया है, और इसको समझिए, बेसिक प्रिंसिपल, द लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट रिलेट्स टू ए सिंगल इंडिविजुअल। चलिए बड़ी अच्छी बात की गई, अगर सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी कानून है तो क्या हुआ, वो लॉ क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, द लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट रिलेट्स टू ए सिंगल इंडिविजुअल, इफ दैट सिंगल इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज ए क्लास बाय हिमसेल्फ ऑन सम पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, दिस वन। अगर वो सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने आप को एक क्लास ट्रीट कर रहा है, एक क्लास में डिक्लेयर हो रहा है, और हाउएवर दिस इट इज द रूल नॉट एब्सोल्यूट इन द एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो बताओ क्या ये सिंगल इंडिविजुअल, क्या इसके लिए कोई कानून बनाए जा सकते हैं? अगर ये सिंगल इंडिविजुअल किसी क्लास को बिलोंग करते हैं तो बनाए जा सकते हैं, जैसे ये ग्रुप को लीड करते हैं तो इसके लिए कानून बनाया जा सकते हैं। लॉ पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको बताने के लिए मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर तुमने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट पढ़ा होगा, तुमने तो पढ़ा होगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट में एक सेक्शन है 18A, 18AA, 18FA, थोड़ा बेसिक बता दो क्या है। 18A कहता है कि अगर सेक्शन 15 में तुम्हारी कंपनी की, तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई है, तुम्हारे गुड्स की क्वालिटी डिटोरिएटेड है, प्राइस एक्सेसिवली राइज्ड है, नेशनल इंपॉर्टेंस में तुम्हारी इंडस्ट्री ठीक नहीं है, तो 16 में सरकार तुम्हारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो 18A में तुम्हारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टेक ओवर हो जाएगी, गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी। इतनी मेहनत से जो बिजनेस तुमने खड़े किए वो बिजनेस कौन ले लेगी, सरकार ले लेगी। 18AA कहता है कि तुमने कोई रैकलेस इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट्स पे इनकम्ब्रेंसेस क्रिएट किए, फालतू का लोन लिया है और कंपनी को इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब इसको आगे रन कर पाना मुश्किल है, तुम्हारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 3 मंथ से उससे ज्यादा समय के लिए क्लोज ही है, बंद ही है, तो भी टेक ओवर कर लेगी 18AA ने। तुम अपनी कंपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बंद करने जा रहे हो, सरकार को रिक्वेस्ट किया कि वाइंडिंग अप कर दो, सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा रही कि चलाया जा सकता है, रिपोर्ट ये आया है, तो सरकार एक्वायर कर लेगी, तुम अपने घर जाओ। बताओ तुमने अपनी एस्टैब्लिशमेंट इतनी मेहनत से बनाया, क्रिएट किया, और अब सरकार तुमको भगा रही है कि तुम जाओ,
और तुम्हारे इंडस्ट्रियल इंटेकिंग को हम चलाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं लगती। ऐसे ही कुछ बेचारे चिरंजीत लाल के साथ इस केस में हो गया। चिरंजीत लाल की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है, इसकी शुगर फैक्ट्री थी जो कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, वर्कर को सैलरी नहीं दे पा रही थी, तो सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट को बंद होने से बचाने के लिए चिरंजीत लाल चौधरी की जो अंडरटेकिंग है उसने अपने कब्जे में ले ली। मतलब चिरंजीत लाल चौधरी की जो अंडरटेकिंग है सरकार ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, एक्वायर कर दिया। चिरंजीत लाल ने कहा कि भाई ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, बिजनेस नहीं करने दे रहे, सिंगल पर्सन लॉ बना दिया पार्लियामेंट में और मेरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ले लिए, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में चिरंजीत लाल हार गए, कहा कि सिंगल पर्सन लॉ वैलिड है बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग ए क्लास, तुम इतने सारे वर्कर्स को लीड कर रहे हो, कल को तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट बंद होती है तो सबके सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और सरकार का जो ये सिंगल पर्सन लॉ है ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी सही है। देन वॉट एवर द लॉ द गवर्नमेंट हैज मेड फॉर द सिंगल पर्सन, इट इज वैलिड इन वॉट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में ये कानून क्या है, वैलिड है, कोर्ट ने इसको क्या किया, वैलिड करार दिया। लेकिन एक कानून एक और आया, एक बात, पी राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल पर्सन लॉ को खत्म कर दिया। सरकार का कानून यह था कि जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा मेडिकल सीट्स उस स्टेट के लिए रिजर्व होगी। जैसे होते ना गवर्नमेंट की मेडिकल की एग्जामिनेशन होती है और सीट्स जो है मेडिकल की स्टेट के अकॉर्डिंग अलॉट की जाती है, और सरकार का अलॉटमेंट करने का जो प्रोसीजर था वो बड़ा अजीब था कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट को ज़्यादा सीट और जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको कम सीट। सरकार के इस कानून को चैलेंज किया गया कि साहब पॉपुलेशन को ग्राउंड बनाना ये उस स्टेट के साथ नाइंसाफी है जिस स्टेट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पे काम किया है, और उस स्टेट को गिफ्ट है जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पे कोई काम ही नहीं किया है। ये जो कानून है ये पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है, दिस लॉ इज नॉट अ प्रॉपर लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये कानून पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है और इसको एक बहुत बढ़िया चैलेंज जो है ये किया गया ऑन टू द मैटर कंसर्न विथ व्हाट सिंगल पर्सन लॉ, पी राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, मेडिकल कॉलेज की सीट्स की बात हुई। तो बताइए क्या सिंगल पर्सन लॉ वैलिड होगा? आंसर यस, अगर वो सिंगल पर्सन एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे और लॉ पब्लिक इंटरेस्ट में सही हो। दो केसेस थे, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जहां पे सिंगल पर्सन लॉ को वैलिड किया गया, और पी राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सिंगल पर्सन लॉ को इनवैलिड करार दिया गया। सही है दिस वन। हमने राइट फ्रॉम द बिगनिंग सबसे पहले संविधान का प्रियम्बल पढ़ा, आपको याद है प्रियम्बल क्या है? कोई सुना दो, अगर किसी को याद हो प्रियम्बल। प्रियम्बल के लिए खास वाक्य बताता हूँ, एक बार जो केबीसी हो रही थी कौन बनेगा करोड़पति जो गेम शो था उसमें 50 लाख का क्वेश्चन आया था, एक बार मेरे को याद है उसमें लिखा हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्वेंट रिजॉल्व टू मेक इंडिया सेकुलर सोशलिस्ट सॉवरिन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है, वॉट इज दिस? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नन ऑफ दिस। और जो कैंडिडेट था वो सरेंडर कर गया आगे खेलने से, 50 लाख से क्वेश्चन छोड़ दिया। तुम होते तो क्या बोल के आते? बिल्कुल, तुम 50 लाख जीत गए होते। दैट इज प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समटाइम्स प्रियम्बल एक्सप्लेन करने को आता है, वहाँ पे हम सेकुलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और क्या चौथा सोशलिस्ट, इनको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे देश का संविधान फेडरल है या यूनिटरी है? हम फेडरल को एक्सप्लेन करेंगे, हम यूनिटरी को एक्सप्लेन करेंगे, हमारे देश के संविधान को एक्सप्लेन करेंगे, और यूनिटरी टच कैसे आ रही है हम वो भी बताएंगे।
ऑफ कोर्स हम रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आर्टिकल नंबर 13 को देखेंगे, आर्टिकल 12 को हमने देखा जहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन था, हमने आर्टिकल नंबर 13 को पढ़ा। आर्टिकल 13 में जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन थी उसकी बातें थी। आर्टिकल 13 के बाद हमने डॉक्ट्रिन्स को पढ़ा। डॉक्ट्रिन्स में क्या होती हैं? डॉक्ट्रिन्स में क्या था? डॉक्ट्रिन में बिल्कुल सेवियरिटी, वेवर, एक्लिप्स, सिंगल पर्सन लॉ, वेरी कॉमन थिंग विच वी हैव गॉट टू नो। इन सारी बातों को हमने चेक किया, सही है? ऐसे ही पढ़ोगे 20 नंबर वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ, 20 मार्क्स आधा पास यही चैप्टर कराएगा, बाकी 80 मार्क्स सारे डिवाइडेड है। आज ही रखो, आज हम दूसरा पेपर शुरू नहीं कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आज हम यहीं पे रखते हैं, सही है?